युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 7 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि शाम 6:31 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 11:07 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज व्यर्थ की मानसिक चिंताएं आपको घेरे रखेंगी और आप अपने आप को उत्साहहीन महसूस करेंगे। बने बनाए काम बिगड़ जाने से आज आप डिमोटिवेट हो सकते हैं और वर्क प्लेस पर भी प्रोडक्टिव कार्यों की जगह आज आपको समय ऐसे कार्यों में लगाना पड़ेगा जिसमें आपकी रुचि नहीं है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आज आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और आपके शकी स्वभाव के कारण आपका उनसे झगड़ा भी हो सकता है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आपको जरूरत है कि आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगाएं। इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें और आज उनके साथ अपनी परेशानियां शेयर करने से आपका मन हल्का होगा और वे आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं या नया घर या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। घर में बंदर का स्टैचू लाकर स्थापित करना आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। आज मकर राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी और आपके धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर बाजार से या नदी के किनारे से जल कुंभी ले आएं और उसे पीले कपड़े में बांधकर घर में लटका दें। लटकाने के बाद आप उसे ज्यादा छेड़े नहीं और अगले वीरवार को दोबारा नई कुंभी लेकर आए और अपने घर में लटकाएं। पुरानी कुंभी को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा आप अगले 7 बृहस्पतिवार तक करें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके धन के भंडारों में वृद्धि हो। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। नाम करुणा बोला। आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूं, टीचर हूं। कहाँ रहती हैं? वेस्ट पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को 1 जनवरी को और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताए करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।